आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है। मीडियन का हम लोग अभी मतलब कि जो कल के वीडियो में मैंने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस करवाए थे, फॉर्मूला मैंने बताया था, तो इसमें हम लोग क्या करें, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मतलब कि हम लोग इंडिविजुअल और डिस्क्रीट कर चुके हैं कल के वीडियो में। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया है। देखिए फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखिए इसके पहले इस टाइप का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ये फॉर्मूला आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप मैं समझा दूंगी कैसे कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस ये सीख लीजिए, L1 क्या है, ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, M मीडियन है, ठीक है, और N/2, तो अभी आप मीडियन निकालें तो N/2 का यूज करें, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला N/2, ठीक है। ये सी क्या, कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी है, F है फ्रिक्वेंसी, और I है क्लास इंटरवल। अब देखिए अब इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये फॉर्मूला बनाए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन है इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए CI क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिखिए F फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे आप लिखिए CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। मीडियन है तो CF चाहिए इसमें, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो CI सबसे पहले आप नोट करिए, CI लिखते हैं 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 स्टार्ट है, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60, और 60 से 70, और 70 से 80, लास्ट कहाँ है, 80 से 90, ठीक है। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी आप उसको लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 6, 10 और 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 18, देखिए फिर होगा 12 के बाद है 10, फिर है 8, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद हम लोग निकाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, जैसे कि 6, ये 6 है, अब ये दोनों को 6 और 10 को ऐड करिए तो हो जाएगा 16, 16 में 16 32, फिर 32 में 18 अगर ऐड करेंगे तो 50, 50 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 62, 62 में 10 ऐड करेंगे तो 72, 72 में 8 ऐड करेंगे तो 80, ठीक है। अब हमको इसका सम टोटल निकालना होगा फ्रीक्वेंसी का, तो ये कैसे निकलेगा, समेशन F इज इक्वल टू, इसका सम टोटल कितना है 80 आया, इसका जो लास्ट वाला है यही समेशन एफ का सम टोटल होगा, ठीक है, इसको आप ऐड करके इसका सम टोटल निकालेंगे, 80 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मीडियन निकालने का हम लोग को तरीका पहले से पता था, तो देखिए मीडियन हम कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू N/2 टर्म लिख सकते हैं, या आइटम आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं टर्म, ठीक है। तो N/2 की बात करते हैं, ठीक है, N/2, ये N क्या है, समेशन F है, जो ये फ्रीक्वेंसी है ना इसका सम टोटल को ही हम N बोलते हैं, ठीक है, इसका सम टोटल कितना है आपका 80 आया, तो 80 बाई 2, ठीक है, 80 बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टर्म 80 बाई 2 टर्म, अब आप इसको कट करें तो 40 टर्म हो जाएगा, या आइटम आप जो भी लिखिए, तो 40वें नंबर का टर्म हम ले रहे हैं, 40 टर्म, ये किस में लाइज कर रहा है आप देखिए, तो अगर हम बात करते हैं 40 का तो आप किस में देखेंगे, ये मीडियन है तो आप देखेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, तो आप देख रही है 40,
ये इसमें तो लाइज नहीं कर सकता 32 में, ये लाइज कर रहा है 50 में, ठीक है। ये किस में लाइज कर रहा है 50 में। इसका मीडियन क्लास की बात करेंगे तो इसका मीडियन क्लास हो जाएगा ये वाला, देखिए लाइज कर रहा है किस पे 15 और 50 से 60 CI पे, 50 से 60 किस पे, क्लास इंटरवल पे, ठीक है। तो आप इस, ये आपको पता चल गया ये लाइज कर रहा है 50 से 60 क्लास इंटरवल पे, तो आप यहां से फॉर्मूला में जितना कुछ लिखा हुआ है सब कुछ आप डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है L1, L1 मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 50, ये आपका क्या है L1 है, L1 क्या हो गया 50 हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे 50। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला N/2 तो हम निकाल ही चुके 80 हो जाएगा। अब हमको CF निकालना है, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कौन सा होगा, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ये नहीं होगा, इसके ऊपर वाला 32, ठीक है। तो सी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 32। इसके बाद क्या चाहिए को, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका कौन सा होगा 80, फ्रीक्वेंसी आपका 18 हो जा रहा है। और क्लास इंटरवल की अगर हम बात करें तो सबके बीच में कितना का डिफरेंस है, देख लीजिए सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो आई हो जाएगा आपका 10। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला में सिंपल आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मीडियन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मीडियन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिख लीजिए L1 प्लस N/2 माइनस C, ठीक है। उसके बाद नीचे में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में, तो इस देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। L1 ठीक है, L1 कितना है आपका 50 है, प्लस N/2 हम लोग यहाँ पे निकाले थे 80/2, ठीक है। 40 टर्म आया था, आप यहाँ पे 40 लिख लीजिए, 40 माइनस सी की अगर हम बात करें, सी क्या आपका 32 है, ठीक है। देखिए CF की बात करें, सी मतलब जो कि यहाँ पे आया था 32 आया था, यहाँ पर लिख चुके हैं 32, आप यहाँ पे लिखे 32। और फ्रीक्वेंसी कितना आपका 18 है, फ्रीक्वेंसी 18 आप लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लास इंटरवल हमारा 10 का था, 10 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 50, ठीक है, 50 50 प्लस 40 में 32, 40 में 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, 18 और मल्टीप्लाई में 10, ये 4 है, ये 9, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 50 प्लस यहाँ पे कितना है, इसको मल्टीप्लाई करके 40 प्लस 9, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 9 को 40 से, तो इसमें कितना आएगा 50 प्लस 4.4, ठीक है, 4.4 आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसको अगर हम प्लस करेंगे कितना आएगा 54.4, ठीक है, आंसर मीडियन आपका कितना निकला 54.4। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का क्या था, मीडियन था। और इसमें इसको आपको अच्छे समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, CF निकालना है, क्वेश्चन को लिखना है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा आपको CF निकालना है, जो कि इसको ऐड करके निकलता है। उसके बाद आपको फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला इसका जो है उस पर ये वैल्यू, पहले आपको मीडियन निकालना होगा, मीडियन क्लास निकालना होगा, फिर आपको ये मीडियन क्लास से ही आपको फॉर्मूला का सारा वैल्यू मिल जाएगा, आपको बस उसमें पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही काम है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन था। हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज भी इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ा, और आज हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा ये भी हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। तो अब मैं कहना चाहती हूँ कि स्टैटिस्टिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, और मैं डेली इस तरह के तरीके के आपके स्टैटिस्टिक के वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने बेसिक स्टैटिस्टिक पे कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और बहुत कुछ मैंने पढ़ाया इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से भी, उससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अगर आप क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स हैं तो। और ये जो ये सारे क्वेश्चन हैं, मतलब कि स्टैटिस्टिक UGC नेट के पेपर में भी पूछे जाते हैं और क्लास 11 12 में तो है ही, तो ये BA के भी पोर्शन में आ जाता है, 12th के भी पोर्शन में आ जाता है। इसलिए जो बेसिक है उसको क्लियर रखना है, क्योंकि ये सारे आपको सारे, मतलब आप जितने भी हायर लेवल में पहुंचेंगे आपको ये सब पूछा ही जाएगा।
तो ये सब हमें याद रखना है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और हाँ, अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ। मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में मैं क्विज डालती हूँ, और अभी मैं स्टैटिस्टिक का ही क्विज डाल रही हूँ, ठीक है। और मैंने सुबह ऑड इंटीजर के बारे में मतलब एक क्वेश्चन डाला था, तो आप उसको देखा करिए, आपका क्या होगा, रिविजन होगा, आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें, तो आप उसको देखा करिए। मैं आप लोगों के लिए ही क्विज बनाती हूँ मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। मैं उसमें ट्राई करती हूँ बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेकर आऊँ, और आप लोगों को साथ साथ रिविजन हो, आपको ढूंढना नहीं पड़े। तो अभी मैं स्टैटिस्टिक का पोर्शन करवा रही हूँ क्विज में भी, मतलब जो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में जो भी मैं रील बनाती हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी देखा करिए। हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।